हेलो, हाँ क्यों? राजू बेटे जल्दी आओ, घाट में शीला का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मैं भी आया। हाँ। डॉक्टर साहब, अंकल ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? मेरी शीला उससे दूर हो गई। बेटे, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। नहीं जी सकता। क्या किसकी चली है? बस आओ। बस मेरे भाई, क्या हो गया मेरे भाई? शीला क्यों हम तो छोड़ चली गई? Thank you.
आखिर आप लोग चाहते क्या है? हम जो चाहते हो मांगते नहीं, छीनते हैं। ये क्या बता रही है? प्यार से भाई, प्यार से। ठीक है, ये 2% की छोकरी मुझे तुम्हें सिखाना है। मुझे मेरी खोपड़ी आउट हो गई ना तो लफड़ा हो जाएगा, समझा? समझा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे घर जाने की जल्दी है। आपको जो कुछ भी कहना है यहीं पे कहिए। ए, अब उनके दोस्त को तेरे पे दिल आ गया है, अभी तो उसके साथ जा, तो भी चली जाना। ये क्या बदतमीजी है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, एक इज्जतदार घराने की शरीफ लड़की हूँ। इज्जतदार है। दुनिया के सामने नाचने गाने में इज्जत नहीं जाती तुम्हारी, ये खुला हो जिस्म दिखाने में तुम्हारी इज्जत नहीं जाती, और अपुन के दोस्त के साथ जाने में इज्जत जाती है। ए, तू इज्जतदार है ना? अब तक जितना माल दिया है निकाल, निकाल। पैसे मैंने आपसे नहीं, सेठ जी से लिए थे। जबान चलाती है तू, हाँ? सेठ जी के पास जाएगी तू, देखता मुझे कौन रोकता है। आज मैं पैसा लेके जाऊंगा या तुझे। चल, चल, चल मेरी जान। हाँ भाई, क्या हिसाब है? सर, आज का पेमेंट है और ये बैलेंस है। बैलेंस है? क्यों? एक दो दिन में आ जाएगा। अरे अपने धंधे में बैलेंस नहीं होता है, रोकड़ा होता है, रोकड़ा। हाथ पैर तोड़ और पैसा लेकर आ, चल। ओके सर। सर देखिए ना, आपके यहाँ मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपने तो कहा था कि आपके यहाँ सब कुछ नहीं होता, फिर सब क्या है? ये लोग मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं। सर बैठो, 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 बैठो। बीमारी का बहाना करके कितने पैसे लिए थे तुमने? 1,00,000 रुपए। लेकिन सर मैंने बहाना नहीं किया था, आप मेरे घर आकर देख लीजिए। बीमारी मेरी वजह से हुई थी? तो फिर मेरे धंधे का नुकसान क्यों हो? सर मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। सर कब तक? मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए। तो ठीक है, तब तक तुम इसके साथ चली जाओ। सर ऐसा मत कीजिए, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। सर मत कीजिए। सर फिलहाल पैसा है तेरे पास? नहीं है ना? ए भाई ले जा। चलो सर प्लीज, चलो सर प्लीज, ऐसा मत कीजिए सर। चलना भाई, आई सरकार वाली पैसा हरी नाटक करती है। पूरा 1,00,000 रुपए गिन लीजिए। आपने वादा किया था कि रुपया मिलते ही आप लड़की को छोड़ देंगे, प्लीज छोड़ दीजिए इसे। ए भाई छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। आपने वादा किया था कि 1,00,000 रुपया मिलते ही आप लड़की को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ूंगा वादा। ठीक है, कल सुबह लड़की तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, चाबोट। वो इसी वक्त मेरे साथ चलेगी। 1 मिनट। अरे क्या बोलता है, पैसे का भाव दिखाता है, मर्दों वाली बात कर। तेरी माँ ने तुझे इसलिए जन्म दिया है कि तू अपनी मर्दान की किसी बेबस स्त्री पर दिखाए? क्या पूछ कर आ उसे, चल जा। पूछ कर बता देना। आइए। अरे अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा साहब। हाँ, हमारे घर में आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है उसने। इसने थप्पड़ तुझे नहीं, मुझे मारा है, और इसका जवाब मैं इसे दूंगा। लेकिन पहले ये तो मालूम पड़े कि ये शख्स है कौन। सर नया नया कस्टमर है, कुछ ही दिनों से आ रहा है। होगा तुम्हारा कोई खास कस्टमर, आई डोंट केयर, लेकिन ये सौदा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अरे यार कुछ सौदे मुझे भी करने दिया करो यार। हा? मलिक साहब आप। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ शाबाश। क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रही? आज होटल में मेरी बहुत बेइज्जती हुई, मेरे मालिक मुझे आज दूसरों के हाथ बेच रहे थे। क्या? 1,00,000 रुपए में एक साथ कहाँ से लाती? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, किन साहब ने आकर मेरे मालिक को 1,00,000 रुपया देकर मेरी इज्जत बचा ली, वरना वरना मैं जाने कहाँ भटक गई होती। मैंने तो सिर्फ सुना था, आज विश्वास हो गया। भगवान कहीं और नहीं, आप जैसे इंसान के दिल में बसते हैं। भगवान का दिया हुआ मेरे में बहुत कुछ है, और फिर
किसी अच्छे काम के लिए खर्चा हो जाए तो उससे मुझे मुझे खुशी मिलती है। आप अंदर तो आइए ना। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। एक कप चाय पीते जाइए। नेक्स्ट टाइम। और हाँ, ये जो मैंने खर्चा किया है, आप इसे अपने हिसाब से जब भी चाहे लौटा सकती हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। जब छोड़ा ये क्या राजेश है? फिर वही कमरे में अंधेरा करके गुमसुम अकेले बैठे हो। ओहो, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बेटे जाने वाले लौट के आते नहीं, और जो जिंदा उन्हें जीना ही पड़ता है ना। अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें देख के हमें बुरा नहीं लगता क्या? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? अरे बेटे तुम्हारे हंसते खेलने क्यों मरे अभी? हाँ, एक नहीं सुनने वाला तुम्हारी। देखो मैं सुमिता से बात कर चुका हूँ। अरे भाई हमारे स्कूल की नई टीचर है, बड़ी अच्छी लड़की है। वो बच्चों के पिकनिक लेके महाबलेश्वर जा रही है, हमारे फार्म हाउस पे ठहरेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी महाबलेश्वर जाओ और फार्म हाउस की देखभाल करो, और हवा पानी बदलेगा तो तुम्हारे चेहरे की रौनक भी बढ़ेगी। देखो मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुंह बनाना छोड़ो, फौरन अपना सामान बांधो और निकलो महाबलेश्वर के लिए। कमान कमान। ना ना ना, बस बात सुन चुका, चलो अभी।
ए छोकरे इधर आ। एक मिनट साहब, एक मिनट। अरे क्या करता बाबा, इधर आ। साहब खत्म ही नहीं होता है। बंद कर यार। साहब मेरा नाम छोकरा नहीं नन्नू है। अच्छा भाई नन्नू। हाँ तो ये बता नन्नू। नन्नू नहीं साहब, नन्नू नन्नू। अच्छा भाई नन्नू, ये बताओ तुमने कोई लड़की देखी है? साहब आपको लड़की चाहिए? ऐसे बोल, चाहिए नहीं, गाना गाते हुए कोई लड़की देखी क्या? साहब वो लड़की का नाम क्या है? अच्छा तू जा, फिक्र मत करो साहब, मिल जाएगी। साहब ओ साहब, वो लड़की दिखने में कैसी है? अरे वो तू जाना। साहब वो लड़की रहती कहाँ है? एक दिया कि चुभा ऐसे। तो आप ही हैं चोरी चोरी मेरी तस्वीर लेने वाले? चोरी चोरी? और नहीं तो क्या, किसी के पूछे बगैर उसकी तस्वीर लेना चोरी नहीं है तो क्या है? आपने मुझे पूछा था क्या? चलिए मैडम, हिसाब किताब तो बराबर रहा। कैसे? और नहीं तो क्या, चोरी मैंने की, चोरी आपने भी की। आप कहना क्या चाहते हैं? आप किससे पूछ के गाना गा रही थी? कर दिया जमीन खराब ना? किससे पूछ के आप नाच रही थी? हुआ ना हिसाब बराबर? देखिए मिस्टर, अगर मुझे किसी से पूछना है तो मैं राजेश भाटिया से पूछूंगी, क्योंकि ये उन्हीं की जगह है और मैं उन्हीं की मेहमान हूँ। आपको हिसाब किताब लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट एक मिनट, ये राजेश भाटिया कौन है? कोई भी हो, आपको उससे क्या लेना देना? आप नाराज क्यों होती हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरी तस्वीर आपके पास रहे। लाइए मुझे कैमरा दे दीजिए। ओह साहब, ओ साहब, आप इधर हो, मैं आपको उधर ढूंढ रहा था। वो लड़की का पता चल गया। पिछले साल हमारे यहाँ कार एक्सीडेंट में एक लड़की मर गई थी। वो लड़की नहीं है, सब भूत है। भूत नहीं, भूतनी भूतनी। साहब वो कभी गाती है और कभी नाचती है और कभी हंसती भी है। साहब आप उससे दूर रहिए, एक बार कंधे पे चढ़ गई तो उतरेगी नहीं। तेरी तो मैम साहब। क्या है? ये आपके लिए। आई लव यू। हट। अब क्या है? ये भी आपके लिए, आपके इंतजार में। अभी आप मुझे एक थप्पड़ मार दीजिए। क्या? साहब ने कहा था कि ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे थप्पड़ मारेंगी, इसलिए 10 रुपए दिए थे। अच्छा, तेरा नाम क्या है? नन्नू। नूनू? नूनू नहीं, नन्नू नन्नू। अच्छा तू काम क्या करता है? लाइन फिट करता हूँ। क्या मतलब? हमारे एरिया में बहुत छोकरा छोकरी आते हैं, एक दूसरे पे लाइन भी मारते हैं, शर्माते भी हैं। हम फिटिंग का काम करते हैं। वाह 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 वाह, क्या काम करता है? तेरा बाप क्या करता है? शराब पीता है। काम क्या करता है? पहले यही काम करता था, अब रिटायर हो गया तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। बहुत अच्छा काम करते हो, तुम लोगों की तो सुबह शाम आरती उतारनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैम साहब, ईमानदारी का धंधा करते हैं, हमारी भी यूनियन है। बहुत अच्छा, अब आप मेरा पीछा छोड़ने के लिए क्या लेंगे? गरीब लड़का हूँ मैम साहब, एक थप्पड़ मार दीजिए, 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब मैं तुझे थप्पड़ नहीं घूसा मारूंगी, भाग। क्या यार क्या हुआ? देखना यार, लेटर लेके थप्पड़ भी नहीं मारती, लगता है तेरा मामला कुछ बिगड़ा हुआ है, चल देखते हैं। साला अपने एरिया में आके अपने को ही घूसा दिखाती है। बापू बापू सुनो तो, सुनो तो सही। तू है कौन? मैं तुम्हारा बेटा नन्नू। अरे तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। अरे मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। तू मुझे धोखा देता है, मुझे उल्लू बनाता है, बेवकूफ बनाता है। अरे यार मेरा बाप मुझे पहचानता ही नहीं है, बहुत ज्यादा शराब पीता है ना, इसलिए। शराब पीने से क्या होता है? शराबी लोग सिर्फ शराब को ही पहचानता है, तो मैं भी शराब पीऊं? छे फिर से कोशिश कर। बापू बापू स्कूल की ट्रिप कैंसिल हो गई। तू फिर से आ गया? विश्वास करो मैं सचमुच तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे पकड़ के देखो। तू मुझे पकड़ने को बोलता है? अच्छा मेरा कान पकड़ के देखो। अरे ये तुम्हारा नन्नू का कान है। नन्नू बापू बेटा तू ऐसा है? मैं अच्छा हूँ बापू। बापू ये मेरा दोस्त पोदू। बापू मेरा नाम पोदू नहीं प्रदूत है, इन लोगों ने मुझे प्रदूत से पोदू बना दिया। बहुत अच्छे बेटा, तू खाना खाएगा? हाँ। मैं तुझे पैसे देता हूँ खा। बापू उधर खिसा नहीं है। अरे तू मुझे सिखाता है, मैं पैसा इधर ही रखा, इधर ही होगा। बापू तुम दिन भर पैसा ढूंढते रहो, तब तक मैं आता हूँ। मैं यहाँ रखा है, मुझे मुझे मालूम नहीं, मुझे मेरा बेटा सिखाता है। अरे यार इतना बड़ा हो गया कान पक...
जीजा जी हम आए। अरे तू आया तो मैं क्या करूँ। जीजा जी हम आए हैं ना जी। बहुत अच्छा किया जी, हट। जीजा जी हम आपसे मिलने के वास्ते आए हैं। जब देखो तब तू खाते रहता है, अब तू मुझे खा। जीजा जी मैं आपको कैसे खाऊं, मैं तो मटन खाता ही नहीं हूँ ना, शाकाहारी। लेकिन तू कहीं का, हट। जीजा जी तेरे को मंगते ही क्या। जीजा जी मुझे उस लड़की से मिला दो ना। लड़की से? हंसते क्यों जीजा जी, वो जो मुंबई से आई है घाघरा चोली पहन के, क्या चलती है, मटक मटक की चलती है, पागल कर देती है वो, क्या नजरें हैं, हाय हाय हाय, घायल कर देती है वो। तुझे क्या करना है? शादी बनाना है जीजा जी। शादी? क्यों जीजा जी, क्या मैं मर्द नहीं हूँ और मर्द को दर्द नहीं होता? जीजा जी ऐसे मत हंसिए, मेरे अरमान में पानी मत फेरिए जीजा जी, प्लीज। नौकरी नहीं, काम धंधा नहीं, चला शादी करने। जीजा जी मुझे नौकरी मिल गई है। अरे मामा तुम्हें नौकरी मिल गई? लो नन्नू आ गया। नन्नू नहीं, नन्नू नन्नू। हाँ बाबा नन्नू नन्नू नन्नू। तेरी तबीयत कैसी है? बिगड़ी हुई है, पर तुम बोलो तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? एक लंबी कहानी है, मेरे एक सेठ जी हैं, जहाँ वो रहते हैं ना उनके पास में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे दो टाइम का मुफ्त खाना मिलता है। हमारे सेठ जी कहते हैं तुम खुद खा लो और मेरे लिए बांध के ले आओ, बस यही काम है। गुरुद्वारे में दो टाइम मुफ्त का खाना मिलता है? तुम खाते हो और सेठ के लिए लेके आते हो, वाह कितनी बढ़िया नौकरी है तुम्हारी। सेठ जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात मत करना सेठ जी के बारे में। मामा ये बताओ जब भगवान अकल बांट रहे थे तब तुम कहाँ थे? अरे वही था, लाइन में खड़ा हुआ था, लेकिन इतनी भीड़ इतनी धक्कम धुक्की में अकल लेके मैं वहीं लुढ़क गया था। वो आधा गिर गया आधा रह गया, उसको सब आधा ही आधा रह गया, लुढ़कता जा रहा हूँ जिंदगी भर, अधमरा हो गया हूँ मैं। तो तुम क्या ऐसे हो? ए चुप, मैं ऐसा ऐसा नहीं हूँ, मर्द हूँ मर्द। तो फिर एक लेबल चिपका लो। हट, जब जगह तो मुझे छेड़ते रहता है, मैं कब बुद्धू हूँ, जा मैं तेरे से नहीं बोलता। क्या कर रही हो, इतने नाजुक से बदन पर इतना बड़ा जुल्म ढाओ, तकलीफ में आओगी। कैसी तकलीफ? अरे भाई औरतों वाली तकलीफ, अभी तक हुई नहीं क्या आपको? हुई थी क्या? मुझे कैसे होगा, मैं तो मर्द हूँ। तो तुमको कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। और सुनो आइंदा ऐसे बोझ नहीं उठाते, अच्छी बात नहीं, समझे? उठाओगी नहीं ना? खाओ मेरी कसम, खाओ कसम। हंसी तो फंसी, हाय मेरी फुलझड़ी। कैसे मिलूं? मैंने लेटर तो भेज दिया है, लेकिन पता नहीं कि वो क्या सोच रही होगी। मैंने ठीक नहीं किया शायद, अब क्या करूं, रुको कि जाऊं? मुझे क्या मालूम वो ही होगा। थोड़ी देर और इंतजार करता हूं। क्या करूं, दिल तो कहता है कि वो आएगी। वापस चली जाऊं? अब इंतजार करना बेकार है, थोड़ी हिम्मत कर लेती हूं। अरे नुनू तो आ गया। नुनू नहीं, नन्नू नन्नू। हाँ ठीक है, चिल्लाने क्या जरूरत है, आहिस्ता बोलना। आहिस्ता क्यों बोलूं, तू मेरा नाम बिगाड़ते हो, नन्नू का मतलब मालूम है? अच्छा नहीं मालूम है बाबा, माफ करो मुझसे गलती होगी। हाँ तुम क्या देख रहे थे? मैं तो हवा खा रहा था यहाँ पे। मुझे मालूम है तुम उधर उस बॉम्बे वाली लड़की को देख रहे थे ना। देखना कितनी अच्छी है ना, हाय क्या चल रही है बाबा, क्या मटक रही है, क्या लचक है, हाय हाय। ये जब चलती है ना मेरे दिल में गुदगुदी होती है रे, और इससे कपड़े देखना बड़े महंगे होंगे ना। हाँ जब ही थोबड़े में पड़ेगी तभी पूरे कपड़े की कीमत में मालूम पड़ जाएगी। क्यों मेरे को मेरे थोबड़े पे क्यों मारेगी? हाँ वो भी है, आखिर तुम भी तो उन्हीं में से हो। एक हट, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो फिर तुम औरतों की तरह हरकत क्यों करते हो? अरे बाबा तू समझा कर, क्या भी तू बच्चा है समझेगा नहीं, क्या कि मैं बाहर से ऐसा लगता हूँ लेकिन अंदर से मेरा पूरा मामला फिट है। तो बाहर से भी ठीक कर लो ना।
अरे बाहर से ठीक करने के लिए बेटा, तू बच्चा है, मैं कह रहा हूँ ना, क्या है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तुझे मालूम है ये हरकत मैं क्यों करता हूँ? इन हरकतों से लड़कियां खुश हो जाती हैं और अपने दिल की बातें बता देती हैं। उसके बाद मेरा मामला जो है सेटिंग बराबर होता है इनके साथ। बस तुम्हारी सिंह से हमारी सेटिंग बिगड़ जाती है ना। तेरी कौन सी सेटिंग बिगड़ रही है? जाने दो। अरे देखो तुम्हारी चली। अरे यार क्या हुआ? अरे मेरा मामा पर हुआ क्या? अरे ऐसा मामा 10 पैदा हो जाए तो हमें सड़क पर भीख मांगना पड़ेगा। पर हुआ तो भी क्या? चल मैं तुझे बताता हूँ। सुन क्या हुआ? तेरा साहब ने शराब पिया है। क्या? मैं खुद देख के आया। अरे मेरा साहब इतना अच्छा है, शराब नहीं पीता है। तू खुद चल के देख। चल पीने की आदत नहीं, मैंने इसलिए पी है शराब, हाँ इसलिए पी है शराब। जब से देखा तुम्हें मेरी नियत हो गई खराब, मेरी नियत हो गई खराब। सुनहरा चांद सचेहरा, तू नागिन और मैं हूँ सतेरा। रंग सुनहरा चांद सचेहरा, तू नागिन और मैं हूँ सपेरा। है दस ना लेना मुझे, दस ना लेना मुझे। नजरें उठी बेहिसाब, मेरी नियत हो गई खराब, मेरी नियत हो गई खराब। नजरे तेरी मखमूर, नजरे तेरी लाजवाब, मेरी नियत हो गई खराब, मेरी नियत हो गई खराब। मुझे पीने की आदत नहीं, मुझे पीने की आदत नहीं, मैंने इसलिए पी है शराब, हाँ इसलिए पी है शराब। जब से देखा तुम्हें मेरी नियत हो गई खराब, हाँ मेरी नियत हो गई खराब।
कम से कम आपको ये सब शोभा नहीं देता। यहाँ के लोग आपकी इज्जत करते हैं, ये क्या हालत बना रखी है आपने? मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप ही हैं। नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, इसका कसूरवार मैं हूँ। आप मर्द हैं, इसीलिए शराब पीकर अपनी तड़प मिटा सकते हैं, दुनिया के सामने बेहाल पेश आ सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? जब से आपसे मिली हूं मैं कितना तड़प रही हूं, मैं कैसे बताऊं? ये मुझे क्या हो गया है? वही जो मुझे हुआ है, ऐसा ही हुआ था जब मैंने पहली बार शीला को देखा था। हाँ सुमी, मैं आज तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। शीला पूना से यहाँ डांस प्रोग्राम करने आई थी और वही हमारी पहली मुलाकात और फिर शादी। शीला के प्यार में मेरी जिंदगी खुशियों से इतनी खिल उठी थी कि कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था, मेरी सारी खुशियां छीन ली। उस मनहूस कार एक्सीडेंट ने मुझे कहीं कड़ा रखा। मैं जिंदगी से पूरी तरह उब चुका था। अंकल ने मुझे यहां जबरदस्ती भेज दिया और यहां आकर मैंने तुम्हें देखा और मेरी फिर से जीने की तमन्ना जाग उठी। शीला की जगह तो तुम्हारे दिल में नहीं पा सकती हूं, लेकिन इतना वादा करती हूं मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। क्या हुआ? वहां कोई है। वहां कौन हो सकता है? नहीं कोई है वहां, तो कोई नहीं। चलो चलते हैं यहां से। कुछ दिन और रुक जाती तो बदनामी नहीं होगी। हाँ वो बात भी है। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रख। ए ननु, देख तेरा साहब। क्या साहब, कैसा है मामला? फिट है ना? ए इधर। नहीं साहब, धंधे का टाइम है, दो तीन फिटिंग करना है, बाद में मिलूंगा। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। नमस्ते मामा जी, मैं पद्दू हूँ। मामा जी ये मेरा दोस्त। अच्छा नमस्ते। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। मामा जी आप ये गाना मुंह से गा रहे हो? अरे मुंह से नहीं गाएगा तो और कहां से गाएगा? चल यहां से। और कोई जगह है क्या? अगर कोई जगह है तो वहां से आज तक किसी ने गाया नहीं। चल यहां से, दिमाग नहीं खाना। नहीं मैंने ऐसे ही पूछा। तुम क्या समझे नुन्नू? मुन्नू नहीं, नन्नू। नन्नू चुन्नू हो या नुन्नू हो, मुन्नू हो टुन्नू हो, जा यहां से। मेरी तो बुन्नू चली गई। अच्छा इसीलिए आप ऐसे मुंह लटका के बैठे हो? आपकी सूरत देखे तो ऐसा लगता है जैसे रख के नीचे तरबूज आ गया हो। तेरी तो देख देख फटेले तरबूज में कैसे रस भर गया है। यही तो है तरबूज का कमाल। नहीं अब होगा जूते का कमाल। तेरी तो अब आपका चिकना गाल होगा लाल लाल। बड़े तो बड़े बच्चे भी हाथ में तेल मल के पीछे पड़ गए। बच्चे हैं, बड़े नटखट हैं, इनकी बात बराबर मानना। कैसी हो तुम? आओ चले बैठ कर सुख की बातें करते हैं। तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ा किस्मत वाला हूँ मैं, प्यार तेरा मुझे मिला।
तेरा कमंजला आइला। चल 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 चल। अरे यार इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। इस तरह तो हमारे लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। चल यूनियन की एजेंट मीटिंग बुलाते हैं। हेलो। हाँ बेटे बोलो, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? अच्छा था, बहुत अच्छा था। भाई सुमिता तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी तुम उनमें से हो जिसका सपना हर लड़की देखा करती है। वो बहुत अच्छी लड़की है। अरे भाई वो तो है ही, लेकिन हमारा राजू बेटा क्या किससे कम है? लाखों में एक है, लाखों में। एक बात कहूँ अंकल? हाँ कहो। मैं सुमिता शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जल्द सुमिता के पिताजी से बात कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ तुम चिंता मत करो। अरे भाई तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए और क्या जिंदगी में, सब ठीक कर दूंगा मैं, सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। ओके डोंट यू वरी, बाय। पहचानो तो मैं कौन हूं? तुम हो तो दूर पर तुम्हारी सांसें हर पल मुझसे टकराती हुई ये कहती हैं कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये? ये डायलॉग नहीं है मेरी जान, एक दर्दे दिल से निकला हुआ मोहब्बत पैगाम है। अगर यकीन ना हो तो आके देख लो कि कैसे बीमार पड़ा हूँ मैं। जनाब आपकी इस बीमारी का इलाज हो चुका है। वो कैसे? पापा ने कबूल कर लिया। क्या? मुझसे एक खूबसूरत तोहफा लेने का। तोहफा? कैसा तोहफा? उनका दामाद। सुमी तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी तो हो। सुमी मैं तुम्हें बाहों में पाना चाहता हूँ। मैं भी चाहती हूँ मगर आज नहीं, कल तुम जरूर मुझे अपनी बाहों में पाओगे। फिर आज की हंसी रात कैसे बीतेगी? जैसे मैं बिताऊंगी, सपने देखकर। हेलो। हाँ जी नमस्कार, मैं शीला भाटिया बोल रही हूँ। मैंने आपसे एक एड्रेस मांगा था, मिला? हाँ जी राजेश भाटिया, हाँ निर्मला निवास बांद्रा। ओके थैंक यू सो मच, बाय। एक्सक्यूज मी। क्या? यकीन करो मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हंसो मत। क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है। राजेश बात की गंभीरता को समझो, उस औरत ने फोन पे तुम्हारा ही पता लिया था, और फिर इस बिल्डिंग में और कोई राजेश भाटिया तो रहता नहीं। तुम्हारा मतलब वो औरत शीला से बात कर रही थी? मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, हंसो मत। रिलैक्स तुम्हें रिलैक्स, शीला का देहांत हुआ साल भर हो गया, उसका अंतिम संस्कार मैंने अपने इन्हीं हाथों से किया, और उस वक्त मेरे ही नहीं उसके भी सारे रिश्तेदार वहां मौजूद थे। पुलिस ऑफिसर था, डॉक्टर था,
जो इस बात की चश्मदीद गवाह है। भोला जी साहब, देखो जरा कौन है। अच्छा साहब, अब तुम ही बताओ, जिसकी लाश जल के राख हो चुकी हो, जो इस दुनिया में नहीं है, क्या फिर से आ सकती है? देखो सुमी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें कोई धोखा हुआ है। साहब क्या है, आपसे कोई औरत मिलने आई है। कौन औरत? शीला देवी। कौन शीला देवी? कहती है आपकी बीवी है। शट अप, जाओ अपना काम करो। अच्छा साहब। राजेश मैं अभी देखता हूं। कैसे हो राजेश? अरे ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे नहीं पहचाना? मैं इतनी तो नहीं बदली कि तुम मुझे पहचान ही ना सको। क्या करूं, मुझे पता ही नहीं था कि तुमने घर बदल लिया है। एक्सीडेंट के बाद जब से होश आया मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। मुझे नहीं पता था कि तुमने घर बदल लिया है। आज ही मालूम पड़ा कि तुम यहां आ गए हो हमारे नए घर में। अंदर नहीं बुलाओगे? देखिए मैडम, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मैं वो राजेश नहीं जिसे आप ढूंढ रही हैं। तुम वो राजेश नहीं? ना ही मैं आपको जानता हूँ, ना इसकी पहले कभी देखा है। प्लीज आप चले जाइए। राजेश मैं शीला हूँ, तुम्हारी पत्नी। स्टॉप दिस नॉनसेंस, मैं काफी देर से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर इसकी भी एक हद होती है। दुनिया जानती मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और आप इस तरह की बातें करती हैं। देहांत हो चुका है? अरे मैं तुम्हारे सामने जीती जागती खड़ी हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं मर चुकी हूँ। देखिए मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, राजेश ऐसा नहीं कहते। क्या नहीं कहते? मैं इनकी बकवास सुनता जाऊँ? शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊँ? देख रही हो कैसे जबरदस्ती घरे पड़ रही है। तुम्हें मेरी कसम, मैं अभी आती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर विनोद स्पीकिंग फ्रॉम बांद्रा पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब मैं राजेश भाटिया के घर से बोल रही हूँ, 14th रोड निर्मला निवास। देखिए यहाँ एक अजनबी औरत आई है और भाटिया साहब को बहुत परेशान कर रही है, आप प्लीज फौरन यहाँ चले आइए। क्या कह रही हैं आप? वो कह रही है कि वो उनकी बीवी है। क्या? देखिए ना, जो मर चुकी है वो जिंदा कैसे हो सकती है? भाटिया साहब बहुत गुस्से में हैं। इससे पहले कि कुछ, आप फौरन आ जाइए। ठीक है मैं अभी आता हूँ। हाँ डोंट वरी। हवलदार जी साहब, जल्दी जीप निकालो। देखिए शक्ल सूरत से आप एक शरीफ औरत हैं, इसलिए आपको मैं लिहाज कर रहा हूँ। बेहतर होगा आप इन हरकतों से बाज आ जाएं, वरना मैं क्या करोगे? जीते जीते तुमने मुझे मार ही डाला था, अब क्या जला भी दोगे? डू इट राजेश, डू इट। मैं आपका राजेश नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ मानती क्यों नहीं, क्यों परेशान कर रही है मुझे? कितने बदल गए हो तुम राजेश। जो आदमी एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह सकता था वो आज मुझे पहचाने तक से इनकार कर रहा है। गलती मेरी थी, उस लड़की के साथ तुम्हें देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन राजेश तुम मुझे एक बार, सिर्फ एक बार इशारा कर देते तो मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाती। गहरों के सामने कम से कम मेरा अपमान तो ना होता। अच्छा राजेश मैं चलती हूँ। इस वक्त आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? जी हाँ, आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मैंने क्या किया? वो तो आपको वहीं चलकर पता चलेगा। चलिए। मिस्टर राजेश अच्छा हुआ आपने हमें फोन करवा दिया, अब आप फिक्र न करें, आगे जो होगा हम देख लेंगे। थैंक यू सर, गुड लक, सी यू। थैंक यू। और हाँ मिस्टर राजेश, आंधा जरा संभल कर रहिएगा और फिर कभी दोबारा गड़बड़ हो तो फौरन हमें फोन कीजिए। ओके? विश्वास करो सुमी, इस औरत को इसके पहले मैंने कभी देखा नहीं था। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ।
हेलो, मैं बोल रही हूँ। बेटी कहाँ से बोल रही है? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से? हाँ। क्या बात है? मैं राजेश से मिलने उसके घर गई थी, उसे मुझे पहचानने तक से भी इनकार कर दिया। क्या? वो कहते हैं कि मर चुकी हूँ, मुझे छुट्टी समझकर पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, अब मैं क्या करूँ? वो तो किसी और का हो चुका है। बेटी रोना मत, मैं वहां आ रही हूँ, वहीं ठहर जाना। हाँ, माय गॉड। बेटे जरा राजेश भाटिया का टेलीफोन नंबर निकाल के देना मुझे। जी। मैं भी देखती हूँ इस देश में कोई कानून कायदा है या नहीं, ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं? कभी किसी पर दिल आ गया तो अपना लिया उस औरत को, और मन भर गया तो कोई भी बहाना करके फेंक दिया उसे बाहर, दूसरी शादी कर ली। औरतें जैसे इन लोगों के लिए खिलौना है। हेलो, मैं राजेश भाटिया बोल रहा हूँ। मिस्टर राजेश भाटिया, तुमने शीला जैसी मासूम लड़की का दिल तोड़ा, उसका विश्वासघात किया, वो कुछ नहीं बोली, उसके सामने तुमने दूसरी औरत का हाथ थाम लिया, फिर भी वो चुप रही, कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन उसे पुलिस के हवाले करके तुमने जो कदम उठाया है वो तुम्हें महंगा पड़ेगा, याद रखना। बेटे चल मेरे साथ। जी आंटी। ए दरम, ये डांस का क्या हुआ? डांसर आया नहीं जी। डांसर नहीं आया क्यों? पुलिस पकड़ लिया। पुलिस पकड़ के ले गई? अब लेकिन क्यों? मैनेजर से पूछ लीजिए जी। उधर है ना मैनेजर जी। बेटे तुम्हारी बातों से लगता है मामला काफी गंभीर है, क्या वो देखने में वैसी है? कुछ मिलता जुलता तो है ही। बोलचाल का ढंग, वो भी। तुमने शीला की तो सारी तस्वीर जला दी थी। क्या करता, उसकी याद बड़ी सताती थी, और पता नहीं ये सब होने के बाद सुमिता मेरे बारे में क्या सोचती होगी। सुमिता के बारे में तुम ऐसा मत सोचो, सुमिता का मैं गारंटी ले सकता हूँ, मैं सिर्फ जानता हूँ वो तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेगी। पता सिर्फ ये लगाना है कि उस लड़की को अरेस्ट किसने किया। इंस्पेक्टर विनोद सक्सेना। आई सी, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिलहाल तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत है। मेरी सिक्योरिटी किस लिए? देखो बेटे, ये तो नहीं हम जानते कि माजरा क्या है, लेकिन इतना जरूर इस वक्त कह सकते हैं कि तुम्हारे पर कोई ना कोई मुसीबत आई हुई है, और जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती तुम्हारी हिफाजत बहुत जरूरी है। डू एज आई से, ओके? अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, मैं एसएन पाठक, शीला देवी का एडवोकेट। गुड मॉर्निंग, आप अपनी कार्रवाई पूरी करके उन्हें ले जा सकते हैं। वो तो मैं ले ही जाऊंगा इंस्पेक्टर, लेकिन शीला देवी जैसी बेगुनाह औरत को इस तरह और न सताया जाए तो मेहरबानी होगी। देखिए कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह, इसका फैसला अदालत करे। मुर्दा दलीलों के आधार पर कोई भी अदालत किसी बेगुनाह को उसके हक से वंचित नहीं कर सकती। ये तो वक्त ही बताएगा। एक मिनट इंस्पेक्टर, वक्त की अदालत में मिस्टर भाटिया से शीला देवी को उनका हक दिलवा कर ही दम लूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। बांद्रा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर विनोद स्पीकिंग। अरे हुजूर इंस्पेक्टर साहब, आपके राज में एक शरीफ आदमी परेशान हो रहा है। अरे आप हुक्म तो कीजिए, क्या सेवा करूं आपकी? अरे भाई राजेश की शादी तय हो चुकी है। देखिए इस मामले में आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्या है कि केस रजिस्टर्ड है, मामला कोर्ट में है। मैं तो कहता हूं कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता आप जल्दी ना ही करें तो अच्छा है। आखिर ये मामला क्या है? लड़की का बयान मैं ले चुका हूं, आप आके देख सकते हैं। आपको क्या लगता है लड़की वही है? नहीं, इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, फिलहाल जमानत पे छोड़ा है। ठीक है मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं एक रिपोर्टर हूँ, आप मुझे बताइए क्या हुआ? इस मासूम लड़की को देखिए, ये आपको मुर्दा नजर आती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके पति का कहना ही मर चुके हैं, वो दूसरी शादी करने चला है, और पुलिस वालों के पास इसका डेथ सर्टिफिकेट भी है। दिन ब दिन ये जुर्म बढ़ता जा रहा है। मैडम आप मुझे सहयोग कीजिए, मैं छपूंगी खबर। देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई हक नहीं चाहिए,
मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज मेरे हेल्पर छोड़ दीजिए। मैडम आप घबरा क्यों रही हैं, आप हमें सहयोग दीजिए। देखिए ये मेरा निजी मामला है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इसे पब्लिक इश्यू बनाए। ये तेरा निजी मामला नहीं है, आज तेरे साथ हो रहा है कल दूसरों के साथ होगा, और एक सच्चे नागरिक का फर्ज है कि इसका विरोध करे, अंकुश लगाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसी बातों पर बताइए, आप मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ। हेलो। हेलो, पहचाना मुझे? आपको कैसे भूल सकती हूँ, कहिए कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया है। ओह, तब तो आपको सब कुछ मालूम हो गया होगा। वो तो बिल्कुल टूट चुकी है, न खाती है न किसी से बात करती है, हमेशा गुमसुम बैठी रहती है, मुझसे भी नाराज है वो। लेकिन भाटिया साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें दूसरी शादी जो करनी है, लेकिन मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। पुलिस वालों ने मामला दर्ज किया है, लेकिन मैं ये मामला अखबार के जरिए जनता के अदालत में ले जाऊंगी। देखती हूँ कैसे दूसरी शादी करता है वो। भाटिया साहब एक शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, और फिर उनके साथ काबिल वकील भी है। लेकिन जब लड़की खुद जिंदा है तो काबिल वकील क्या करेगा, उस लड़की को पहले मारकर फिर केस लड़ेगा? नहीं भाई साहब नहीं, सच्चाई के आगे झूठ कभी नहीं चलता। इस केस को कोर्ट में आने दीजिए, फिर देखिए दूसरे पानी अलग कैसे होता है। देखिए मैं आपका हमदर्द हूँ, कभी भी कोई समस्या हो तो कहने में संकोच मत कीजिए। हाँ भाई साहब, जरूर जरूर। हेलो। नमस्कार। भाई साहब तेरी मदद करने के बारे में कह रहे थे। रहने दो ना, मैं तो सब भूल चुकी हूँ, बात को खामखा बढ़ाने से क्या फायदा। तू चुप रहे, औरतें सहती जाती हैं और मर्दों का जुल्म करने का हौसला बढ़ता जाता है, समझो इस बुद्धू को। आंटी जी जो कह रही है ठीक कह रही है, तू चुप मत बैठ। बुरा न माने तो एक बात कहूं। कहिए। कहीं आपने उस लाश को पहचानने में गलती तो नहीं की? क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपने व्यू लाश को नहीं पहचान सकता। इतने उत्तेजित होने की बात नहीं है, मैं सिर्फ संभावना की बात किया, क्योंकि लाश को उस वक्त इतने खून से लथपथ और जख्मों से भरी पाई थी कि उसे सही पहचानना वाकई मुश्किल था। मुझसे गलती हो सकती है, एक उसके रिश्तेदार उसके भाई से गलती नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, मैं सिर्फ एक संभावना की बात बोला। और इसके अलावा उसका लाल जोड़ा, हाथ में कंगन, पांव में पायल, ये सब इस बात के सबूत है कि नहीं है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जरा उस लड़के को देखिए, आइए देखिए, उसने आपकी तरह शर्ट्स और जीन पहनी है, क्या आप वो है? नहीं ना। मैं आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन आप बहुत मुश्किल में, इसलिए जज्बात की नहीं संभावना की सोचिए। देखिए मेरी राय है कि उस लड़की के बारे में हर एक जानकारी हासिल करो जो आपके कहने पर पुलिस कर सकती है। हेलो, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर विनोद बोल रहा हूँ। कहिए इंस्पेक्टर साहब, बंदा हाजिर है। आपके होटल में ग्राहकों के पास इतने पैसे हो गए हैं कि वो 1-1 लाख रुपए ऐसे ही फेंक देते हैं। आपका इशारा मैं समझ गया सर, आगे बढ़। कौन थे वो? कस्टमर का नाम और पता हम नहीं पूछते, पैसे वाला था, फिर में आया फेंक गया। रोज आते हैं। उस दिन के बाद दिखाई नहीं दिया। फिर कभी दिखाई दिए तो उस महात्मा का दर्शन मुझे भी करवाना। जी हाँ जरूर जरूर, सौभाग्य हमारा कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। लिसन, भूलिएगा नहीं। जी शुक्रिया, बाय बाय। इसका कोई फायदा नहीं है सर, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए नाच गाने का शौकीन है, इसलिए होटल में आता है। क्या करता है? सोना चांदी का व्यापार।
अच्छा। इसका फाइल तैयार है? यस सर। गुड, चावला साहब आए तो ये सारा केस उन्हें समझा देना। यस सर। होटल का पता भी दे देना ताकि वो एक बार उस लड़की को देख ले। यस सर। और सुनो, कल तक मुझे उस लड़की के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिल जानी चाहिए। यस सर। अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। ओके। इंस्पेक्टर साहब, 14 अगस्त का घाट एक्सीडेंट का केस मैंने ही देखा था। ओ। और यहां लाने से पहले ही पेशेंट की मौत हुई थी, ब्रेन फ्रैक्चर। इंस्पेक्टर साहब, लाश को उनके पति ने शिनाख्त किया था और नाम बताया था शीला राजेश भाटिया। हाँ, और मैंने उसी नाम से डेथ सर्टिफिकेट इश्यू किया था। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको गवाही चाहिए तो आप उनके पति, उनके भाई साहब या उनके रिश्तेदारों की लीजिए, क्योंकि मैंने उनके कहने पर ही उसका नाम सर्टिफिकेट पर लिखा था। ए, ए, काम करने का नहीं, खाली परेशान करता। हट साला, वापस आकर परेशान करने के लिए। हट साला, हट, 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 हट। कितना गंदा आदमी। फिर तो एक ही संभावना दिखाई पड़ती है, आपके पत्नी के अतृप्त आत्मा ने वो महिला के अंदर प्रवेश किया होगा और वो महिला उसी तरह बर्ताव कर रही है जैसे आपकी पत्नी किया करती थी। मुझे मालूम है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए मान लेना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है। फिलहाल आप उस लड़की के हरकतों पर नजर रखो, मैं भी देखता हूं, और मुझसे जो भी मदद मांगो मैं करूंगा। घबराई मत, कुछ नहीं होगा। बाय।
फिर से आ गया। उठ उठ चल जल बाहर जा कंधार में। आज का अखबार देखा सर? ये पत्रकार लोग किस तरह हमें बदनाम करते हैं, कुछ भी छपते हैं, कुछ तो करना चाहिए। ओफो, हम कर भी क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। रिपोर्ट कहती है कि वो लड़की मर चुकी है, लड़की कहती है मैं जिंदा हूँ। अब भला हम ऐसी हालत में क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट गलत भी हो सकती है सर। नो, पुलिस की रिपोर्ट को गलत साबित करना इतना आसान काम नहीं है। कह दिया कि हो गया, हो सकता है वो लड़की सच कह रही हो, और फिर मैं भी कानून के हाथों मजबूर हूँ। हेलो, हाँ, यस, हाँ मालूम है, ठीक है, या, अभी, हाँ अभी भेजता हूँ। ओफो, ये नारी निकेतन ने जो मोर्चा निकाला है वो भाटिया साहब को बहुत तंग कर रहा है। आप जाइए, कुछ बंदोबस्त कीजिए। यस सर।
नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। देखो होश से काम करो, कैश में आकर उन औरतों के मुंह लगोगे, अपनी इज्जत दुआ बैठोगे। अरे ज्यादा ज्यादा क्या कर लेंगी, तुम्हारी शादी रोक लेंगे फिलहाल, चले दो उन्हें। अरे तुम्हें सुमिता से अलग थोड़ी ना कोई कर सकता है। मैं देखता हूँ, तुम बैठो आराम से। आजा। पूरे हैं? हाँ सब, देख लीजिए। क्या मलिक साहब, मुझे मालूम है कि आपने उस लड़के को मरवाने के लिए सुपारी ली है। मतलब की बात करो। आप इज्जतदार हैं, हम पेशेवर, सोच लीजिए। बात साफ साफ करो। ये काम हमें दे दीजिए, बहुत फायदे में रहोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजूर। लड़की की लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी। और ये काम एक हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। ये भी मंजूर। हाँ। रिपोर्ट मैंने आपकी टेबल में रखा है सर। कोई नई बात? नहीं सर, लेकिन उसका बयान सच है। अगर ये सच है तो वो कौन थी जो कार एक्सीडेंट में मरी थी? कुछ गड़बड़ तो जरूर है सर। गड़बड़ का तो पता लगाना है। अब ये भी फोन आया तो उस लड़की ने जाहिर कर लिया। क्या? वो हॉस्पिटल में, उसकी हालत बहुत खराब है। ओह हरी अब सर। थैंक यू वेरी मच। ये तुमने क्या किया? जहर खा के अपनी जान देने की कोशिश की? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा काम करोगी, वो भी एक जरा सी बात के लिए। क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो तुमने अपनी जान देने की कोशिश की। तुम ये सोच रही होगी कि कल तक जो आदमी तुम्हें बेचना चाहता था आज हमदर्दी जता रहा है। ये बात तुम कभी नहीं समझोगी। खैर मैं डॉक्टर से बात करता हूं, लेकिन आइंदा ये कदम कभी मत उठाना, समझी? कैसी है वो? चिंता की कोई बात नहीं सर, खतरे से बाहर है। गुड, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? ये तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन समझ सकती हूँ। कोई भी औरत अपने पति से ऐसा अपमान सह नहीं सकती। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई सर, मलिक साहब उसको बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं? बड़े बड़े डॉक्टर्स, इमरजेंसी ऑपरेशन। अरे भाई बड़े आदमी है, वो उसके मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमें क्या लेना देना? कुछ और भी तो मतलब हो सकता है सर। क्या मतलब? सर मैंने सुना था मलिक साहब ने उस लड़की को मारने के लिए काफी पैसे लिए थे। यही मतलब है सर, एक तरफ मलिक साहब उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ उसे मारने के लिए पैसे ले रहे हैं सर। देखो ये मामला शुरू से ही बहुत उलझा हुआ है, जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। फॉलो मी। ये देखिए, ये है शीला का डेथ सर्टिफिकेट। मैं सब जानता हूं, इसे बंद करिए आप। आप मुझे एक बात बताएं मिस्टर राजेश जी, आपने शीला जी को 13 अगस्त को कोई टेलीग्राम भेजा था? जी हाँ। और आपने उनसे फोन पर बात भी की थी? जी हाँ। और आपने उन्हें अपने फार्म पर आने के लिए मजबूर भी किया था? जी हाँ। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सब बातें मुझे उस लड़की ने बताई थी। आपके वो दिए हुए तोहफे, आपकी सब चिट्ठियां, सब हैं उसके पास। उसने तो मुझे यहां तक भी ऐसी बातें बताई हैं जो सिर्फ पति पत्नी ही जानते हैं। अरे हाँ, मैं तो आपको वो बताना ही भूल गया कि वो जो आपने उसे बचाने से इनकार किया था ना, वो मान को बर्दाश्त ना कर सकी, उसे झटका लगा और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, और इस वक्त वो बॉम्बे अस्पताल में मौत से जूझ रही है। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो मेरी बीवी है? तो वो कौन थी जो जल के राख हो चुकी है? इसी सवाल ने तो मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है मिस्टर राजेश। इस सवाल का जवाब मैं आज नहीं तो कल आपको जरूर दूंगा, लेकिन फिलहाल हमारा केस कुछ कमजोर पड़ रहा है। सारी सहानुभूति उसके साथ है, सबूत उसके साथ है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले वो लड़की दम तोड़ दे, आप एक बार उससे मिल लें। क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये तो मेरा एक सुझाव था। बाबा आप कैसी है तबीयत? ये लोग मुझे मरने भी तो नहीं देते। ऐसी बातें ना करें, अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम बताओ। कुछ नहीं, ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ। यकीन करो, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैं तो सिर्फ अपने पति से मिलने आई थी, किसी को परेशान करने नहीं। यकीन करो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और जब मालूम हुआ तो आत्महत्या करने की सोच ली? राजेश मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। एक सच बताओगी? पूछो। क्या तुम वही शीला हो? ये पूछ के मुझे और अपमानित मत करो। बीती बातें मैं भूल चुकी हूं, लेकिन राजेश ने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी मुंह बली आंटी, जिन्होंने एक्सीडेंट के बाद मेरी जान बचाई थी, उनका भी अपमान किया है। इसीलिए उन्होंने सब हंगामा खड़ा किया है। अब तो मामला कोर्ट तक जा चुका है। मालूम है, मैंने लाख मना किया बहन, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। कोर्ट की सजा मैं भुगत लूंगी, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। राजेश सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारी रहेगा। काश ऐसा होता। ऐसा ही होगा, फिक्र मत करो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम दोनों के बीच मैं फिर कभी नहीं आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। एक्सक्यूज मी, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, आप ज्यादा बोलिए मत। आई एम सॉरी। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। मिलॉर्ड, पिछले साल 14 अगस्त दोपहर 3:30 के करीब एक मनुष्य कार एक्सीडेंट में खंडाला के पास वैसे शीला भाटा का एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। उनकी लाश का शिनाख्त उनके पति राजेश भाटिया ने खुद किया। उनके तमाम रिश्तेदार भी उस वक्त वहां मौजूद थे। पंचनामा की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट, सबसे जाहिर होता है कि शीला भाटिया की मौत हो चुकी है। आप मिलॉर्ड, यह मोहतरमा जो कटघरे में खड़ी है, राजेश भाटिया की जिंदगी में आती है और कहती है कि मैं शीला भाटिया हूं। वेरी फनी मिलॉर्ड, जबकि शीला भाटिया की मौत हो चुकी है, यह क्लेम कर रही है कि शीला भाटिया है। मिलॉर्ड, यह जालसाजी और फरेब का केस है। इसने मिस्टर राजेश भाटिया के दिमाग में उथल पुथल मचा दी है, उनका दिमागी संतुलन खराब कर दिया है। मेरी अदर से दरख्वास्त है कि इस फरेब से जल्द पर्दा उठाया जाए। That's all, मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने आज मुर्दा सबूतों के आधार पर जीती जागती औरत को मरा हुआ करार दिया है। ये सारे सबूत किसी के मर जाने के बाद लागू होते हैं। जब मेरी क्लाइंट शीला देवी भाटिया आपके सामने जीती जागती खड़ी हैं, तो इन सबूतों का कोई मतलब नहीं है। मैं ये डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बेबुनियाद और झूठा करार देता हूँ। That's all, मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अगर ये सब सबूत झूठ है तो कौन सी जो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी? ये पता लगाना पुलिस का काम है मिलॉर्ड। किसी की गलती की सजा इस बेगुनाह औरत को क्यों दी जाए? मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि पुलिस द्वारा लगाए हुए झूठे आरोपों से मेरी क्लाइंट शीला देवी भाटिया को बाइज्जत बरी किया जाए। That's all, मिलॉर्ड। आरोपी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है? जज साहब, पिछले साल 13 अगस्त को मेरे पति ने महाबलेश्वर के फार्म हाउस से मुझे फोन किया था। 14 अगस्त को उनका टेलीग्राम भी मुझे मिला। टेलीग्राम मिलते मैं फौरन निकल पड़ी। मैं कार बहुत अच्छी चला लेती हूँ, लेकिन उस दिन जन मुझे क्या हो गया, कुछ पल के लिए स्टेयरिंग व्हील से मेरा कंट्रोल ही हट गया और फिर मेरा
जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे, मुझे कुछ होश नहीं। होश आया तो देखा कि मैं अपनी आंटी के घर हूं। उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, उन्हीं की वजह से मुझे मुझे आज नई जिंदगी मिली है। होश आने के बाद जब तबीयत कुछ ठीक हो गई तो मैंने पुलिस की मदद से अपने पति के घर का पता लगाया, क्योंकि जहां वो पहले रहते थे वो मकान उन्होंने बदल लिया था। जब मैं उनसे मिलने गई तो मुझे लगा कि मुझे देखकर वो बहुत खुश होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे वापस पुलिस के हवाले कर दिया। जज साहब, मुझे मेरे पति से कुछ नहीं चाहिए। अगर वो किसी और के साथ खुश है तो उसमें मेरी भी खुशी है, लेकिन जज साहब, मैं धोखेबाज और चोर नहीं हूं। मैं धोखेबाज और चोर नहीं हूं। पुलिस इस मामले की सही जांच करे और आरोपों के मुताबिक संबंधित गवाहियां पेश करे। ये अदालत 15 दिनों के लिए स्थगित की जाती है। मारिया जी। अरे आइए आइए, कैसे रास्ता भूल गए आज? कुछ जरूरी बातें करनी थी आपसे। मुझसे? हाँ हाँ कहिए। वो शीला के बारे में। मेरी मिसेस शीला को तो आप अच्छी तरह जानती थी। हाँ? आपकी सहेली थी वो। हाँ? उसका क्या अंत हुआ ये भी आप अच्छी तरह जानती ही हैं। हाँ, लेकिन क्या हुआ? बात यह है कि फिकर मत कीजिए भाई साहब, मैं उस धोखेबाज औरत के खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगी, उसकी पोल खोल के रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो हेलो सुमी, हेलो हेलो सुमी, रात तो सुनो सुनी, हेलो 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 सुमी, हेलो हेलो सुमी, मेरी बात तो सुनो सुमी, फोन मत रखना सुमी, हेलो सुमी बात तो सुनो, क्या बात है सुमी, मेरी बात सुनती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं कुछ सुमी, प्लीज सुमी कुछ बोलो, हेलो जाए ममता, गाड़ी चाहिए दबक झट, पागल भिखारी कहां कहां से आ जाते हैं। कौन है तो? मैं शीला की सहेली हूँ, मैं उससे मिलने उसके घर गई थी, वो घर पर नहीं मिली इसलिए वापस जा रही थी। भाई काम नहीं हो पाया, मेरे आदमी ने जिस लड़की को पकड़ा था वो कोई और थी, लड़की हमें धोखा दे गई। नहीं, लड़की ने धोखा नहीं दिया, ये धोखा हमें मालिक ने दिया है
और मलिक को यह धोखा बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आई विल किल हिम। मलिक साहब, साला नाटक करता है। मलिक बाहर निकलो, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। मलिक, तुम्हारा पोल खोल चुका है। मलिक, मैं अपना हिसाब किताब किए बिना नहीं जाऊंगा। सुन रहे हो मलिक, बेहतर होगा तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझे मजदूरन दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ेगा। अबे शाने, मलिक साहब नहीं अंदर, चल। अपन मलिक साहब से मिले बगैर नहीं जाएगा। चलना जाना, चलना चल, बहुत नाटक हो गया, चल। तूने भाई को हाथ लगाया? क्या भाई को हाथ लगाया? तेरे को बहुत महंगा। अरे चलना अपना रास्ता ना, चल चल फट। चाहता है समझा? मलिक के पंटर, तेरे धोखेबाज मलिक से कह देना कि भाई वादे का पक्का है और कल सुबह तक उसे उस लड़की की लाश मिल जाएगी। आइए राजेश बाबू, तशरीफ रखिए। माफ कीजिए, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी कि कल उस लड़की पर जानलेवा हमला हुआ है। वो तो खुशकिस्मती थी कि बच गई, वरना उसके बचने का। कौन थे वो लोग? आप तो नहीं थे। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? क्यों नहीं, क्यों ना शक करूं मैं आप पर? क्या उस लड़की की वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची? क्या उस लड़की ने आपकी शादी नहीं रुकवाई? क्या उस लड़की की वजह से आपकी मंगेतर आपसे दूर नहीं हुई? हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये साफ साफ बता देना चाहता हूं कि आप कानून से खिलवाड़ मत करें, वरना ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। That's all. You can go now. क्या बात है सर? भाटिया साहब तो बहुत शरीफ आदमी है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ इंसान एक चींटी भी नहीं मार सकता। मुझे शक भाटिया पर नहीं, मुझे शक तो उन लोगों पर है जो उसके आसपास घूम रहे हैं। खैर, तुम एक काम करो, तुम भाटिया की मंगेतर सुमिता पर नजर रखो, जाओ। कौन है?
एग्जैक्टली यही तो होता है। जब तक आपकी बीबी की आत्मा उसके शरीर में होती है तब तक वो आपकी बीबी बनकर रहते हैं, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। एग्जैक्टली जो मैंने संभावना के बारे में सोचा था वो सच है। याद कीजिए, आपको कभी फील नहीं हुआ? हुआ है, और पिछले कई दिनों से मैं महसूस कर रहा हूं कि जैसे कोई मेरी आवाज सुन रही है। मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ी है, कभी रोने की आवाज, कभी पायल की आवाज, लेकिन मैंने कभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। और अब वो कहने में कोई हर्ज नहीं है कि यह सब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए उसके प्रति आपके दिल में बदले की भावना बढ़ती जा रही है। बट यह सब जरा सोचिए, आपकी बीबी है, वो आपसे प्यार करती है, आपके करीब आना चाहती है। जितना आप उसे दूर करोगे उतनी और नजदीक आने की कोशिश करेगी और आप परेशान होगे। मिलॉर्ड, मेरा पहला गवाह है मिसेस शीला भाटे के पति मिस्टर राजेश भाटिया। राजेश भाटिया साहब, आप कोर्ट को बताने की तकलीफ करेंगे कि आपने अपनी पत्नी को आखिरी बार कब देखा? हॉस्पिटल में शाम के वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब वो मर चुकी थी। मिलॉर्ड, मैं समझता हूं इसके आगे पूछने की गुंजाइश ही नहीं है। योर विटनेस मिस्टर भाटिया, आपने अपनी पत्नी की डेड बॉडी देखी थी? जी नहीं। मतलब सिर्फ चेहरा देखकर ही आपने फैसला किया था? जी हाँ। मिलॉर्ड, जाहिर है कि मौत का कारण ब्रेन हेमरेज था और उनके चेहरे पर 22 टाके लगे थे। विस्फोट के बाद उनका चेहरा झुलस गया था। आप ठीक से याद कीजिए कि आपने जिस औरत की लाश देखी वो आपकी पत्नी थी। कैसी बात कर रहे हो वकील साहब, वो मेरी बीवी थी, मैं उसे प्यार करता था, क्या मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा? आप भावुक हो रहे हैं, मैं आपसे ऊपरी तौर की जानकारी की बात कर रहा हूँ। मिलॉर्ड, ये बात नोट की जाए, हादसे के समय इतनी बड़ी दुर्घटना में उनका चेहरा झुलस चुका था जिससे उस लाश का पहचानना मुश्किल था। इसीलिए डेथ सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर ने भी इस न्यायालय में गवाही देने से इनकार कर दिया। उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट में नाम सिर्फ राजेश भाटिया के कहने की वजह से लिखा था और राजेश भाटिया का बयान आपके सामने। सिर्फ इतना ही नहीं होगी साहब, उसके गले में पड़ा वो मंगलसूत्र, उसके कान का रिंकल भी इस बात का सबूत है, यहाँ तक कि पुलिस पंचनामा भी सारी बातें रिकॉर्ड की हुई है। मिलॉर्ड, मैं पुलिस पंचनामे में रिकॉर्ड किए गए इस मंगलसूत्र और कानों के रिंकल की जांच करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? देखिए, ये वही है मंगलसूत्र। जी हाँ। यही वो रिंकल? जी हाँ। और से देखिए। जी हाँ, उसे मैंने ही दिया था। देखिए, आप नजदीक से नहीं देखिए, ये आपके दिए हुए रिंकल्स हैं। जी हाँ। और देखिए, सामने खड़ी हुई इस औरत के कान में और गले में वही मंगलसूत्र, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए भाटी साहब, ये वही मंगलसूत्र है जो आपने अपनी पत्नी को दिया था, यही है वो रिंकल जो आपने अपने हाथों से उनके कानों में पहनाए थे, यही है। जी जी। फिर मिलॉर्ड, ये कैसे कह सकते हैं कि इनकी धर्मपत्नी मर गई है? दूसरा गवाह पेश किया जाए। मिलॉर्ड, अब मैं संतोषपुर पुलिस स्टेशन के सिन इंस्पेक्टर मिस्टर चौबल को कचहरी में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मिस्टर चावल, आपने शीला देवी को किस हालत में पाया था? मैंने उसे बेहोशी में देखा था जब वो खून से लथपथ थी। आप कैसे कह सकते हैं कि वो शीला भाटिया ही थी? मुझे मिस्टर राजेश ने बताया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपको कैसे मालूम हुआ कि वो लाश शीला देवी की ही थी? मुझे राजेश भाटिया ने कहा था। बस मिलॉर्ड, मैं समझता हूँ कि मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना है। थैंक यू। मिलॉर्ड, मेरी अगली गवाह है मिसेस शीला देवी की खास सहेली जो बचपन से उनके साथ रही हैं। क्या आपकी सहेली शीला देवी अब भी जिंदा हैं? नहीं। आप उनके अंतिम संस्कार में गई थी? जी हाँ। तू भी? तूने भी मुझे मार डाला? जज साहब, मैं बात कबूल करती हूँ कि मेरी बहुत ही खास
बहुत ही प्यारी सहेली थी। स्कूल में दूसरे के टिफिन ये चुराया करती थी और मां मुझे खानी पड़ती थी। जब हम कॉलेज में आए तो लड़कों को ये छेड़ती थी और बदनामी मेरी होती थी। क्या तू शीला है? फिर इतने दिन कहाँ थी? जज साहब, कॉलेज में जब एक लड़की ने मुझे कमजोर समझकर मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की थी तो इसी ने मुझे बचाया था। उस लड़की को कॉलेज से मार मार के भगा दिया था। जब मैं राजेश से मिली, उससे प्यार करने लगी, तो इसी ने उसे शादी कराने मेरी मदद की थी। माफ करना यार, मेरी गलती हो गई। मेरे एक्सीडेंट के दो दिन पहले ही हिम्मत से शिफॉन की एक साड़ी लेके गई थी। सर, ये मेरी सहेली शीला है, गलती हो गई थी। मिलाट, अब केस की सच्चाई कोर्ट के सामने आ चुकी है। इस कोर्ट का कीमती समय जाया करने की जगह मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब इस केस को खत्म किया जाए। That's all, my lord. Your Honor, मेरे काबिल दोस्त कोर्ट को गुमराह करके मुकदमे को खत्म करने की बहुत जल्दी में लगते हैं, लेकिन मेरा सबूतों और दलीलों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। मैं कोर्ट के सामने शीला देवी की मेडिकल रिपोर्ट बतौर एग्जिबिट पेश करना चाहता हूँ। Your Honor, आज से 2 साल पहले शीला भाटे का चेस्ट ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वहां एक निशान हमेशा के लिए रह गया था। अब जैसे मोहतरमा क्लेम करती हैं कि शीला भाटिया हैं, तो मैं समझता हूं शनाख्त कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट एक इज्जतदार घराने की औरत है, उसे इस तरह भरी अदालत में मजबूर नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शन सस्टेन। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये कोर्ट आदेश देती है कि महिला पुलिस द्वारा उस निशान की जांच की जाए। जज साहब, आप मुझ पर तरस खा रहे हैं, लेकिन मेरे पति जो मेरी इज्जत के रखवाले हैं, वो देखिए वहां बैठकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। जब उन्हें कोई एतराज नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं, तो फिर मैं किस चीज का लिहाज करूं? नहीं वकील साहब, मुझे आपकी लेडी पुलिस नहीं चाहिए। देखिए, अच्छी तरह देखिए, यही वो निशान है या नहीं? अच्छी तरह परख लीजिए। धीरे रखिए शीला देवी, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। धीरे रखिए प्लीज। मिलाट, शीला देवी की बहुत परीक्षाएं ली गई और हर परीक्षा में वो खरी उतरी। अब इनसे बार बार ऐसी परीक्षाएं न ली जाएं। मिलाड, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन्हें और अपमानित न किया जाए। That's all, मिलाड। पुलिस विभाग को एक आखिरी मौका दिया जा रहा है कि इस मामले में ठोस सबूतों के साथ अहम गवाह पेश करे, वरना अब तक सुने गए गवाहों के बयानात के आधार पर ये कोर्ट आरोपी को राजेश भाटा की पत्नी घोषित करेगी। कोर्ट एडजॉर्न फॉर 1 वीक। मैडम, इस केस में कोई दम नहीं है, हम लोग बेकार की मगजमारी कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। डॉक्टर साहब, गजब हो गया, उस लड़की को वही निशान और ठीक उसी जगह उसके जिस्म पर वही काला चिन्ह, ऐसा कैसे हो सकता डॉक्टर? आप हंस रहे हैं? आपने तो कहा था कि आत्मा शरीर में रह सकती है, लेकिन दो शरीर एक कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ संभावना कही थी, मैं भगवान थोड़ी हूं। डॉक्टर साहब, 1 मिनट, आप मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं? बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या शीला का जिंदा होना संभव है? अगर वो जिंदा है तो उसे कबूल करोगे? जरूर करूंगा, सच्चाई जानने के बाद, विश्वास होने के बाद। मेरा भी यही कहना है, लेकिन इस मुकदमे का एक गवाह भी बाकी है, शीला का भाई विकास। विकास? हाँ, जो बहुत ही अहम गवाह है। या जी, इस वक्त अब वक्त आ गया है, प्लीज प्लीज किसी तरह पता लगाए विकास का, चाहे किसने पता लगाइए, जितने चाहे उतने पैसे ले लो, विकास का पता लगाओ प्लीज। कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू कर दिया है, किसी भी कीमत विकास को ढूंढ निकालिए प्लीज।
किसी भी कारण ढूंढ निकाल। राजेश बाबू, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, हमें मालूम हम क्या कर रहे हैं। आप मुझे शक कर रहे थे ना, आपको सच्चाई खुद खुद पता चल जाएगी, खुद पता चल जाएगी सच्चाई आपको। ओ फिक्र ना करें, आप चलिए। जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। पैसे की बात नहीं है, आप घर चलिए। मैं आपसे बात करता हूँ, चलिए मेरे साथ। आइए आइए आइए। बेटे तुम जरा भी टेंशन मत लो, हम जहाँ कभी विकास होगा उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ हाँ, हमारे आदमी लगे हुए हैं, अखबारों में छपा दिया है, टीवी रेडियो पे अनाउंसमेंट हो गई है। देखो विकास, जैसे पता लगेगा ना वो खुद चला आएगा, तुम टेंशन मत लो बस। ठीक है। हेलो मैडम को देना। हाँ एक मिनट। एम साहब, राजेश बाबू का फोन आया है। ये तो तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। हेलो, मैम साहब की तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब है? अभी आया। अच्छा मैम साहब कहाँ है? म्यूजिक प्रोग्राम में चली गई। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मुझसे मुंह मोड़ के जा रही है? आपकी शीला वापस आ चुकी है, बेहतर है कि आप मुझे भूल जाएं। सिला दोगे ये सोचा भी न था, आके मंजिल पे दगा दोगे ये सोचा भी न था, आके मंजिल पे। Thank you.
इबादत तुम हो, कितने जन्मों का है ये प्यार तुम्हें क्या मालूम, कितनी सदियों की तड़पती हुई चाहत तुम हो, आके मंजिल पे दगा दोगे ये सोचा भी न था, आके मंजिल पे। मुझे माफ कर दो राजेश, एक मिनट मैं देखता हूं। देख यार फिर से आ गया वो, मैं जोर से लगा लेता मैं तेरे को मारेगा, सूर्या फोड़ डाल। साले तेरे को बोला सुनाई नहीं दिया क्या, तेरे को मरने का है क्या आज? हां अभी हटते के मारूं एक खींचू क्या तेरे को, निकल तेरी तो ऐसी। मुझे लगता है ये भिखारी नहीं है, ये पुलिस वाले का नाटक है। चलो। अरे फिर से आ गया यार, मार भाग गई साली, भाग के जाएगी कहाँ? वो सिर्फ होटल में मिल सकती है, उसको मलिक साहब बचाने से पहले हमें होटल पहुँचना बहुत जरूरी है। चलो साला भिखारी गया कहाँ यार? अरे क्या इधर उधर देखते हो, चलो। अरे चल यार। सर भाई आपको पहचान गया। पहले की ये बात लीक हो जाए हमें जल्द पहुंच जाना चाहिए, चलो क्विक। Thank you.
तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ। नहीं 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 बताऊंगा। तुम बोलोगे तो जरूर, लेकिन ऐसे नहीं, ये इंजेक्शन लेने के बाद। मुझे मार डालो फिर भी नहीं बताऊंगा। गौर से देखो इस खतरनाक जहर को, जो तुम्हारे जिस्म के अंदर जाते ही हर सेकंड में 32,000 कीड़ा पैदा करेगा। वो खतरनाक कीड़ा तुम्हारे अंदर का खून पी पी के बड़ा होगा और मुंह के अंदर से बाहर आएगा। ये कीड़ा तुम्हें अंदर से तड़प पाएगा, तुम अंदर से तड़पते रहोगे और बाहर से सिर्फ खुजलाते रहोगे। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कर सके, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारी इस बीमारी का पता लगा सके। अब मैं इस इंजेक्शन को तुम्हें दूंगा, लाओ सरिंग। मैं बताता हूं। कौन है साहब? मैं हूं। ओह तुम, अच्छा जाओ। अच्छा ठीक है। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? विकास मेरे भाई, आपने पेपर में मेरी फोटो छपवाया है। तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? क्या बात है जीजाजी, आप इतने घबराए क्यों हैं? विकास मेरे भाई, हुआ क्या एक्चुअली? तुम्हें मेरी कभी याद भी नहीं आई? कैसे नहीं आती, आखिर आपके साथ मेरी बहन का रिश्ता जो जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं भैया, इस संसार में मेरा एक ही बंधन था, मेरी बहन। जब वही छोड़कर चली गई तो। ये झूठ है विकास, ये झूठ है, यकीन करोगे? शीला जिंदा है और इसी शहर में है। आपका दिमाग तो ठीक है? अब तक तो ठीक है, लेकिन अब लगता है मैं पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं 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 नहीं, क्या 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 हुआ क्या? अब मैं आ गया हूँ, शांति से काम लीजिए भैया, बोलिए बात क्या है। विकास, देखो ये भूत प्रेत आत्मा ये तो सब किस्म की बात है। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि कोई लड़की जो मेरी बहन बनकर तुम्हारे पास आई है और तुम्हें यकीन दिलाया है, और ये भी जाहिर है कि उस लड़की के साथ कुछ ऐसे लोग मिले जुले हैं जो मेरी बहन के बारे में और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि? सब कुछ हो सकता है, अपराधी दुनिया में सब कुछ हो सकता है जो तुम्हें मालूम नहीं। खैर, मैं वादा करता हूँ कल सुबह कोर्ट में 11 बजे इन सब का परिचय मैं तुम्हें दूंगा और सबको हवालात में बंद करके रहूंगा। एक बात सोचो विकास, उसकी वही निशानी है, उसके बोलने का ढंग बिल्कुल वैसा है, और तो और वो ऐसी ऐसी बातें जानती है जो मेरे और शीला के सिवा है कोई नहीं जानता। मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओगे? योर ऑनर, अब मैं कैसे अहम गवाह को पेश करने जा रहा हूं जिसका सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारी अदालत को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, शीला भाटिया के सगे भाई मिस्टर विकास जोशी। आपका नाम? विकास शांताराम जोशी।
ऑक्यूपेशन? मैं देश की हिफाजत करता हूं, मैं फौजी हूं। जोशी साहब, 14 अगस्त खंडाला के पास जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जो एक औरत मारी गई थी, क्या आप उसे जानते थे? जी हाँ, वो मेरी सगी बहन थी सर, वो मेरी सगी बहन थी। मैंने माता पिता गुजरने के बाद बचपन से उसकी देखभाल की, वक्त उसकी शादी कराई। एक नेक और शरीफ इंसान से राजेश भाटिया जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे जीजा जी। थैंक यू मिस्टर जोशी, सॉरी आपको यहाँ आने की तकलीफ दी। योर विटनेस। हाँ तो मिस्टर विकास, उस मरी हुई औरत को आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी बहन थी? कोई और भी हो सकती? अगर ऐसा होता वकील साहब, तो इस दुनिया में मुझसे बढ़कर खुश नसीब कोई और नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसा नहीं हुआ, वो मेरी बहन थी। जबकि यह साबित हो चुका है कि उसका चेहरा झुलसा हुआ था, उस चेहरे पे इतने टाके लगे थे कि उसको पहचानना मुमकिन नहीं था, तो आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि? वकील साहब, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसके जिस्म को बारीकी से जांच किया था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे निशान थे जो खून से जुड़े हुए एक संबंध को पहचानने के लिए काफी था। जैसा मैं अपनी बहन को बचपन से देखता आ रहा हूँ, उसके हाथ पांव का गठिलापन, उसके अंदर कुछ खूबियां, कुछ खासियतें ऐसी थी जो उस समय मेरी नजर से छुपी नहीं थी। वो मेरे सामने बेजान मुर्दा पड़ी थी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। आरोपी को हाजिर किया जाए। अगर ऐसा है तो ये औरत कैसे दावा कर रही है कि आपकी बहन शीला देवी है? वकील साहब, मैं इसका क्या जवाब दूं? अगर यह औरत ये दावा करती है तो मैं भी दावा करता हूँ कि यह औरत किसी गुंडे टोली से संबंधित है और इस समय मेरे भोले भाले जीजा जी जो सीधे साधे हैं, उनसे पैसे ऐंठने के लिए भेजी गई है। आरोपी अपने चेहरे पर से पर्दा हटाए। शिलू, शिलू मर गई तेरी बहन। अगर मेरा कोई भाई होता ना तो मुझे आज दिन नहीं देखना पड़ता, इतनी परीक्षाओं से नहीं गुजरना पड़ता। नहीं चाहिए मुझे कोई भाई, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। शिलू, मेरी बहन, क्या हो गया, तुम्हें मेरी याद नहीं है? नहीं, और ये झूठ है। ये सच है, ये मेरी बहन है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने उसका खून किया और वो भी 20 लाख रुपया बीमा कंपनी से वसूल करने के लिए जो मेरी बहन के नाम पर थे, जो पिछले महीने में इन्हें मिल चुके हैं। अरेस्ट हिम इमीडिएटली। सर, उस मौका वारदात पर यह जाहिर था कि मेरी बहन का कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सफाईदार कत्ल था। जहां कातिल अपनी पहचान की खुशबू तो वहां छोड़ गया था, लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ा था और इसी सबूत की तलाश में मैं भटकता रह गया था। आखिर सीबीआई ऑफिसर मिस्टर अजय चौधरी ने मेरी मदद की। उन्होंने कातिल को पकड़ने के लिए अपने दोस्त मिस्टर मलिक के साथ मिलकर एक ऐसी अनोखी चाल चली जिस चाल में खुद वो कातिल फंस गया और गिरफ्तार हुआ, जो इस समय पुलिस हिरासत में इस बात को कबूल किया है कि राजेश भटिया से 1 लाख रुपया सुपारी लेकर उसने ये हत्या की। लेकिन ये लड़की है कौन? सर, ये लड़की मिस्टर मलिक के होटल में एक डांसर है। इत्तेफाक से मेरी बहन की शक्ल सूरत इनसे मिलती जुलती थी। कुछ एहसानों की कीमत चुकाने के लिए इस लड़की ने एक जोखिम भरी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली। इन्होंने अपनी निष्ठा और लगन से भरपूर मेहनत की और मेरी बहन की हमशक्ल बनकर राजेश भटिया की जिंदगी में दाखिल हुई और एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि जिसकी वजह से राजेश भटिया की जिंदगी में उथल पथल मच गई। उन्हें इस हद तक परेशान होना पड़ा कि उन्होंने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया और आज इस भरी अदालत में आपके सामने उन्हें इस खून को कबूल करना पड़ा। मिलाड, सीबीआई अफसर अजय चौधरी आज किसी जरूरी वजह से कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके हैं, लेकिन उन्होंने इस केस से संबंधित एक जरूरी फाइल आपके रिपोर्ट के लिए भेजी। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी को आयश आराम के साथ जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है? मेरी बहन कोई लूली लंगड़ी अपाहिज नहीं थी, पैसा वो भी कमा सकती थी। अगर पैसों की जरूरत थी तो एक बार मुझसे कहा होता। सर, आज मैं अपना सब कुछ भी दे दूं, लेकिन मेरी बहन को वापस नहीं ला सकता हूं। मेरी बहन को वापस नहीं ला सकता हूं। चौधरी साहब, आखिर आप अपने मकसद में कामयाब हो ही गए हैं। डॉक्टर साहब, मेरे शब्द कोश में नाकाम शब्द नहीं है। आज तक का मेरा रिकॉर्ड इस बात का गवाह है
किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? सच्चाई की खोज में मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूं, बाकी मालिक की कृपा है। काश ऐसा फर्ज हर कोई निभाता। खैर, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अदालत आरोपी को बेइज्जत बरी करती हुई इस मामले को यही डिसमिस करती है और शीला देवी हत्याकांड का मामला दाखिल करने के लिए पुलिस को 15 दिन की मोहलत देती है। कोर्ट डिसमिस। माँ, मैं बहुत डर गई थी। देखो ना, मेरा दिल अभी भी कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। जिस आदमी के लिए तू काम कर रही थी वो भरोसेमंद है और वो तेरी हिफाजत जरूर करेंगे। माँ,